पहला सवाल क्या है? कैरलिंगेस, उनके जो पार हो चुके उनके लक्षण कह रहे हैं, कैसे हैं? तो एक व्यक्ति जो कि गुणों से पार हो जाता है उस पे गुण इफेक्ट करते हैं, वो क्या करता है? उदासीनो उदासीना, इन गुणों से बिल्कुल अपने आप को उदासीन समझता है कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है जिसने शुरू में मुझे बताया कि अहम बीज प्रदपिता। तो मेरा जो सारा कार्य है, अब जो गुण इफेक्ट कर रहे मेरे शरीर पे कर रहे ना, मेरे ऊपर तो नहीं कर रहे, तो शरीर पे कर रहे तो करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कंसंट्रेशन ये है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र की ओर बढ़ती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ना ही उनके ना आने से परेशान होता है, उसी तरह से जो व्यक्ति इच्छाओं के आने से परेशान नहीं होता है, इच्छाएं आती हैं लेकिन सर शांति मापन होती न काम काम, जो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करता बल्कि सोचता है कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे इनकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, इच्छा आई है तो आए भले, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से भगवान ये बताते हैं कि उदासीन गुणा वर्तन्ते इत्येव इत्येव यो वतिष्ठन्ति नैगते, कि गुण ही गुण में वर्त रहे, मेरा इससे कोई भी फर्क, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसके लक्षण होते हैं।